इस वीडियो में हम देखेंगे कि घाव क्यों नहीं भरते हैं और जो घाव नहीं भरते हैं उनके क्या क्या अलग अलग कारण हो सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णन, प्लास्टिक सर्जन, अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर, और आज हम बात करेंगे नॉन हीलिंग वुंड्स के बारे में, मतलब घाव जो नहीं भरते हैं। ऐसे घाव लेकर काफी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो महीनों से या सालों से सिर्फ ड्रेसिंग्स ही करे जा रहे हैं, उनको आइडिया नहीं है कि ये घाव क्यों नहीं भर रहे हैं, या मल्टीपल कंसल्टेशन उनकी हो गई हैं और अभी भी घाव नहीं भरे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये घाव प्राइमरीली किस वजह से हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक घाव है और उसमें हम पट्टी करते जा रहे हैं तो वो भरे तो भरे, नहीं भरे तो ऐसे ही चलता रह जाता है। फिर तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि इसका कारण क्या है, इसको जानना है। तो इसके कई कारण होते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों में खास करके वुंड्स आर वेरी कॉमन, बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि पैर में घाव बने हैं, वो इन्फेक्ट हो रहे हैं और इतने सीवियर हो रहे हैं कि धीरे धीरे पैर काटने की भी जरूरत पड़ रही है। दूसरा है वेरिकोज वेन्स, मतलब आपने सुना होगा या देखा होगा पैर में नसें बड़ी हो जाती हैं, सूजन बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी पैर में घाव बन जाता है। तो जब तक हम वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट ना करें ये घाव अपने आप से नहीं भरेगा। और कई कारण है जैसे प्रेशर अल्सर्स, कोई पेशेंट है स्पाइन के मरीज है जो लेटे ही है, मूवमेंट्स नहीं हो रही है, तो जहां जहां प्रेशर पड़ता है उन एरियाज में घाव बन जाता है और ये घाव तब तक नहीं भरेंगे जब तक वो प्रेशर रिलीव नहीं होता। कभी कभी अंदर बोन में इंफेक्शन होने की वजह से ऊपर घाव बनता है स्किन में जो कि बोन से कनेक्ट करता है। तो अंदर अगर कोई भी सोर्स ऑफ इंफेक्शन है वो अपना एक पाथ बना के पस या कोई डिस्चार्ज स्किन के थ्रू बाहर आता है, तो देखने में तो वो एक छोटी सी माउथ जैसी ओपनिंग होती है लेकिन अंदर से काफी वो खराब हो सकता है। तो इसके लिए जब भी कोई वुंड हो जो 3 वीक्स से ज्यादा तक अपने आप नहीं भर रहा है या फिर और खराब हो रहा है, पस पड़ रहा है, तो उसमें ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनमें ये बहुत जरूरी होता है कि शुगर कंट्रोल करें और जिस पॉइंट पे प्रेशर पड़ रहा है उसको ऑफ लोड करें, मतलब कि जूते ऐसे बनाएं कि जहां पे घाव बन रहा है उधर प्रेशर ना पड़े। जब घाव बहुत छोटा होता है तो छोटी छोटी ऐसी सर्जरी हैं जिनसे हम घाव को बड़ा होने से रोक सकते हैं या दोबारा बनने से भी रोक सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि घाव बड़े हो, उनमें पस हो, इन्फेक्शन हो तभी ऑपरेशन की जरूरत है। छोटे छोटे घाव में ऐसे काफी प्रोसीजर्स हैं जिससे उसको बड़ा होने से रोक सकते हैं। और जो घाव बहुत लंबे टाइम तक नहीं भरते हैं, जैसे कभी कभी जलने की वजह से घाव होते हैं जो सालों साल तक नहीं भरे हैं, इन सब में कैंसर बनने का चांस बहुत हाई है। तो अल्सर्स या वुंड्स पैर में, हाथ में, कहीं भी हो, उनका जल्द से जल्द इवैल्यूएशन करवाना, डॉक्टर को दिखवाना, प्लास्टिक सर्जन को प्रेफरेबली, क्योंकि एज ए प्लास्टिक सर्जन वुंड्स के एक्सपर्ट्स प्लास्टिक सर्जन ही होते हैं, तो प्लास्टिक सर्जन को दिखाना चाहिए जितनी जल्दी होता है। और वो घाव किस वजह से हो रहा है उस वजह का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। घाव का जो कारण है जब तक उस कारण को हम नहीं निकालेंगे घाव नहीं भरेगा।